सर जी, पूरा राम जी बोलिए बोलिए बोलिए। कौन बोलेगा पहले, कौन बोलेगा? छगन जी, मैं छगन सिंह। बोलो छगन जी, नहीं बोलो आहोर। बड़ी समस्या तो सर, बोलो बोलिए। नमस्ते सभी को, नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। मेरे सबसे बड़ी समस्या जो सब बता रहे हैं, पूरे जोधपुर संभाग वाले और उदयपुर संभाग वाले बता रहे हैं, प्रवासियों वाली समस्या है। एक तो ट्रेन की व्यवस्था करनी है प्रवासियों के लिए, जो इमिटेशन ज्वेलरी में मजदूर वर्ग थया मलाड में, वो वैसा का वैसा वही बैठा हुआ है, पूरा का पूरा मलाड क्षेत्र में। वैसे के वैसे बेंगलोर में भी बैठे हुए, पूरे दक्षिण क्षेत्रों में बैठे हुए, सब इंतजार कर रहे कि ट्रेन आएगी ट्रेन आएगी, अभी तक ट्रेन की कोई व्यवस्था हुई नहीं। दूसरी बात, जो अपने साधन से आना चाहते हैं, ट्रेनिंग कब शुरू हो रही है सर? ट्रेनिंग शुरू हो रही है सर, आज परमिशन दे। दूसरी बात, जो अपने साधन से आना चाहते हैं उन्हें आज से सब क्लियर। अभी इस पॉइंट को मैं बताऊं आपको, उदयपुर डिवीजन भी जोधपुर डिवीजन भी काफी डिस्कस कर चुका है प्रवासियों के पॉइंट को। आप सबको प्रॉब्लम हो रही है मुझे मालूम है, मैं भी मारवाड़ गई हूँ, ठीक है? इसलिए आप दिमाग रखो कि आज चीफ सेक्रेटरी साहब अभी आए हैं, ठीक है? कॉन्फ्रेंसिंग अपन घर में से किए, दिल्ली से किए, कैबिनेट सेक्रेटरी ने, होम सेक्रेटरी ने, सारे पॉइंट जो आपने बताए वो उनको बता दिए गए हैं जी। आज शाम तक उम्मीद करते हैं और ज्यादा छूट मिलेगी अपने को, ट्रेन आने लग जाएगी, बेंगलोर से भी, बॉम्बे से भी, तमिलनाडु, सब जगह से आने लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो अपन बात कर लेंगे, ठीक है? और भी बात बताओ। हाँ, अब ये कि जैसा कि आपने एमएलए फंड का पैसा हॉस्पिटल के लिए यूज करने के लिए आपने आदेश निकाला, अध्यादेश, आपके क्षेत्र में ही, आपके क्षेत्र में? हाँ, मेरे क्षेत्र में ही, और आपकी मर्जी से ही, आपकी मर्जी से। बिल्कुल बिल्कुल सर, लेकिन लेकिन समस्या ये आ रही है कि आपने अब बजट में जो डॉक्टर का कहा था कि हम जो डॉक्टर लगभग 6,700 के करीब डॉक्टर होंगे पूरे राजस्थान में अपने गवर्नमेंट में, और 4,000 के करीब लगे हुए डॉक्टर, 4,500 के करीब लगे हुए। अब जब डॉक्टर ही नहीं होते हॉस्पिटल में, डॉक्टर ही नहीं होते, भर्ती और हो रही है 2,000 की भर्ती अभी तक होने रही है, वो कृपया जल्दी से कराए, जिससे बाद जो भी डिमांड होगी ना तो डॉक्टर ही करेंगे, कि अगर डॉक्टर नहीं होगा तो वो जो भी हम खरीद के लाएंगे वो यूज कौन करेगा। इसलिए निवेदन ये है कि डॉक्टरों की भर्ती तुरंत की जाए। धन्यवाद। एक बात और है सर, अब जैसे ये जो सैंपलिंग है, ये जिला हेडक्वार्टर पर जांच हो, ये कोरोना वाली, ये बहुत जरूरी है। ये 7-7 दिन लग रहे हैं, और 7 दिन में न जाने उसके दिमाग में इतने जांच क्या हो रही है जालौर की, जालौर जालौर की पाली और जालौर में, ये इसकी सैंपलिंग टेस्ट जालौर में हो, वो 7 दिन तक टेंशन में रहता है, इसकी सैंपलिंग जाती है तो वो 7 दिन तक दिमाग में इतना डिप्रेशन में रहता है, इससे वो उल्टा बीमार। बात सुनो, देखो ऐसा है कि अपन जो है अभी ऐसा है जी सर, अभी जोधपुर हो रही है, पर हमारा एम है अल्टीमेटली हर जिले में लैब खुले, हर जिले के अंदर जल्दी हो, काम चल रहा है, एक साथ खुल नहीं सकती। पाली में मेरे ख्याल काम शुरू हो गया है, बाड़मेर में हो गया है, जोधपुर में हो रहा है, जालौर में होगा, शिवरी में होगा, सब जगह होगा। इसी प्रकार से कोरोना, हाँ थैंक यू सर, इसी प्रकार से कोरोना वायरस जो लगे हुए हैं काम पे, उनके लिए अच्छे किस्म के मास्क और सैनिटाइज भी उपलब्ध कराए, जिससे उनमें भी डर नहीं हो, कोई नहीं है। और अब बात है किसानों की, आप कृषि मंडी भी आपके पास भी है, तो मेरे और विधानसभा में गेहूं खरीदने के लिए बार बार मैंने रिक्वेस्ट भी भेजी, आपको भी पत्र लिखा था, लेकिन गेहूं समर्थन मूल्य से नहीं खरीदा जा रहा है, और मैं वो भी सुमेरपुर में, और इस समय सुमेरपुर में कैसे किसान जाए, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि और मैं 5 जगह पर गेहूं खरीदने के लिए आपको भी यहाँ से एप्लीकेशन भी दी हुई है, और लगभग सबने कहा था कि कलेक्टर ने भी कहा था कि आपका गेहूं खरीदने का यहाँ से हो जाएगा, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। तो ये नोट कर लिया, थैंक यू, धन्यवाद। एक और है किसानों की बड़ी समस्या है, जो 6 घंटे की लाइट थी, आज ही मेरे पास किसानों के बहुत से किसानों के फोन आए कि अब 5 घंटे दे रहे, तो कृपया करके वो 6 घंटे तो करीब कम से कम दे, गर्मियों में पानी उल्टा एक दो कम है, और 5 घंटे में क्या तो पिएगा और क्या रहेगा यूं। तो ये भी निवेदन है कि किसानों की समस्या को देखते हुए।